जय हिंद साथियों, आज हम लोग बात करते हैं कि स्कूल में बड़ा दाखिला कब बढ़ाया जाएंगे शिक्षक के पद। सबसे ज़्यादा इस समय का सवाल आ रहा है कि कब होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा, कितने पदों पर होगी, क्या वास्तव में कोई शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी भी या नहीं। ऐसा तमाम तरह के सवाल आ रहे हैं। जब से BTC का नाम बदल कर DLED हुआ है, तब से भर्ती पर सबसे ज़्यादा संकट देखने को मिल रहे हैं। आज हम लोग ये बात करेंगे कि वास्तव में जो स्कूलों में नामांकन बढ़ा है, जो दाखिला बढ़ा है, माननीय सरकारी तरफ से जो प्रयास किए गए थे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में, जिसमें से जिलों को 20% से अधिक नामांकन करके एक लक्ष्य जो था उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। खासकर उस लक्ष्य में पहले नंबर पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला, दूसरे नंबर पर जनपद जौनपुर जहाँ से मैं हूँ, उसके बाद संत रविदास नगर भदोही, तीन क्रम के टॉप के जिले रहे। यह नामांकन होने के बाद क्या वास्तव में अब शिक्षकों की कमी फिर से बेसिक शिक्षा विभाग में देखने को मिलेगी? क्या माननीय सरकार द्वारा एक नए पद के सृजन करने की एक व्यवस्था की जा रही है? एक एक करके इस टॉपिक की बात करते हैं। वास्तव में यह जो पेपर का पेज है आपको भी मिल चुका होगा और आपने भी देख लिया होगा, तमाम तरह की वीडियो भी आपको देखने को मिल गए होंगे। आइए देखते हैं कि स्कूलों में बढ़ा दाखिला, माने स्कूल में दाखिला बढ़ चुके हैं, आखिर कब बढ़ाए जाएंगे शिक्षकों के पद, अब शिक्षकों के पद कब तक बढ़ाए जाएंगे? क्योंकि हमने देखा कि बीते जनवरी में पहले सप्ताह में 17,000 पदों की बात की जा रही थी और 8,600 जो पद था उसमें चौथी काउंसिलिंग 69,000 शिक्षक भर्ती के बचे हुए पद की बात की जा रही थी, लेकिन यह संख्या कुल 75,000 हो रही थी जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उस न्यायालय में विचाराधीन होने के नाते अब ये मान के चला जा रहा कहीं आने वाली भर्तियों पर संकट के दौर तो या संकट के बादल तो नहीं घिरे हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो पद संख्या थी शिक्षा मित्रों को समाजन रद्द करने के बाद कुल लगभग 1,37,000 पद थे। इस 1,37,000 पदों के सापेक्ष 68,569,000, तो 69,000 के पहले जो 68,500 था उसमें से लगभग 22,000 सीटें बची थी, 69,000 में कुछ सीटें बची थी, इनको मिलाने के बाद कुल 25,000 सीट हो रहे थे। इन 25,000 सीटों में आपने देखा कि 6,800 पदों पर चौथी काउंसिलिंग आरक्षण को लेकर माननीय सरकार के द्वारा जारी किया गया था लिस्ट, और उसके बाद 17,200 पदों पर भर्ती किए जाने के लिए जनवरी के पहले सप्ताह में बात कही गई थी, लेकिन यह मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, डबल बेंच के सामने है, इसलिए इस पर किसी भी प्रकार से टिप्पणी करना उचित नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 17 लाख अतिरिक्त बच्चों का दाखिला हुआ, जब 17 लाख बच्चों का अलग से दाखिला हुआ, जो यह 30 अप्रैल तक मुहिम चलाई जा रही थी स्कूल चलो अभियान, जिसकी शुरुआत माननीय आदित्यनाथ जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रावस्ती जिले से शुरू की थी और वह काफिला बढ़कर 17 लाख तक पहुंचा, एक बड़ी बात है और यह आपके नए भर्ती होने के लिए, पदों के सृजन करने के लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उन सभी के लिए। लेकिन उसके लिए बात और भी जानना जरूरी है, इन सभी का फिर से जो नामांकन है पेड़ा पोर्टल पर होंगे, क्योंकि यह नामांकन होने के बाद अभी 6 मई तक इसे प्रेरणा पोर्टल पर दाखिल करना, मतलब मई के पहले दूसरे सप्ताह तक ये सभी प्रेरणा पोर्टल पर आ जाएंगे। उसके बाद चीजें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी, किन विद्यालयों में कितने अध्यापक हैं, कितने छात्र हैं, उसके आधार पर ब्लॉक स्तरीय तबादला, जिला स्तरीय तबादला, मैचुअल ट्रांसफर, समायोजन, इस तरह की बातों के बाद प्रमोशन जो होना था, जो काफी दिनों से बचा हुआ था, ये भी माननीय न्यायालय में विचारा देने इसके पहले माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी ने भी इस पर जिक्र किया था कि जल्द ही इन तबादले को लेकर ही जो काले बादल से साफ करके बातें स्पष्ट रखेंगे। तो एक बात और है कि तबादले के बाद अगर प्रमोशन भी हो जाता है तो प्रमोशन होने के बाद अब एक और साफ हो जाएगी, अब बेसिक शिक्षा विभाग में कितने पद रिक्त हैं, मतलब यह साल जो आपका 2022 चल रहा है कहीं ना कहीं यह आपके लिए एक भर्तियों का सौगात होगा, क्योंकि अभी इसमें कई मामले हैं जिसकी वजह से माननीय शिक्षा मंत्री भी इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं और बार बार लोगों को लग रहा है कि क्या अब यह 2022 है, क्या भर्तियों का साल रहेगा या नहीं रहेगा, काफी बड़ी चीजें हैं। लेकिन हाँ, जो लगातार पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए फिर से यह भर्तियों का साल होगा, यह भर्तियों की सौगात होगी। यहाँ पर आपने पेपर को पढ़ा होगा कि कई जिलों में पिछले साल से बहुत ज्यादा आवेदन हो गया, अगर आपकी बनारस की बात करें तो 1.5 गुना से ज्यादा आवेदन हो गया, दाखिला हुआ 3.5 साल से प्राथमिक स्कूलों के लिए नहीं हुई शिक्षकों की भर्ती, और यहाँ पर आपने देखा कि लगभग 3.5 साल से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं हुई है, मतलब अगर देखा जाए कि 6 जनवरी 2019 को 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा होने के बाद कोई भी बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा प्राथमिक के लिए नहीं हुई है, तब से लगातार अभ्यर्थियों की मांग चल रही थी। अब यहाँ पर अगर इस न्यूज़पेपर की कटिंग को देखा जाए तो यहाँ पर देखिए 5,151 पद को खाली होने की बात की गई है, 12,000 शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं। इस प्रकार देखा जाए तो अब मिला जुला के
उत्तर प्रदेश में 75,000 शिक्षक भर्ती खाली पद इस न्यूज़पेपर के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं। मतलब अब आपके लिए जब नामांकन प्रेरणा पोर्टल पर हो जाएंगे तो आपको एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है, एक भर्ती का जो प्रारूप है देखने को मिल सकता है, लेकिन ये कब तक देखने को मिलेगा यह कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये 2022 का साल जो है, ये जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक सरकारी शिक्षक बनने का सपना सजोए हैं, उनके सपनों पर इस बार पंख लग सकते हैं। लेकिन इसमें से जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए तो बेहतर है, लेकिन जो भी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जो पढ़ाई लिखाई बंद किए हैं, उनके लिए टेढ़ी खीर हो जाएगी। क्योंकि नौकरी सबको मिलेगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन मौका सबको मिलेगा जो उसके योग्यता के पैमाने पे खड़े उतरेंगे। मतलब जो टेट या सीटेट पास है वो आवेदन तो कर सकते हैं, मतलब मौका तो मिलेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितने लोगों को मौका मिले उतने लोगों को भी नियुक्ति पत्र मिले। तो नियुक्ति पत्र अंत में उन्हीं को मिलेगी जिनके सपनों में उड़ान होगा और वो अपने सपनों को लगातार मेहनत के बल पर आगे बढ़ा रहे होंगे। इसके लिए आप लोग ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़िएगा। जहाँ पे टेलीग्राम सर्च करेंगे ई-लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, वहाँ पे सभी क्लास नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगी सभी। उसके अलावा यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी क्लास आप लोग को निःशुल्क मिलती है, देशित में, राष्ट्रित में। उसके अलावा यदि आपको ऑनलाइन क्लास या नोट्स संबंधी जानकारी चाहिए तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के इस ऑफिस के नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लास आपके जौनपुर जनपद के सिराजा हिंद से लाइव चलती है। उम्मीद करता हूँ आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ से मिल गए होंगे। अभी भी आपके मन में कोई सवाल नहीं होंगे, हाँ भर्ती आएगी, देर से आएगी, लगभग जुलाई अगस्त में विज्ञप्ति होगी, परीक्षा आपके अक्टूबर नवंबर तक जा सकती है और नियुक्ति दिसंबर या जनवरी तक हो सकती, कब होगी यह सब केवल एक कल्पनात्मक आंकड़े हैं और एक कल्पनात्मक एक तथ्य भी आपके सामने। इसलिए आप मेहनत करते रहिए, अपना बेस्ट देते रहिए। कुछ आपका वीक जोन होगा, कुछ स्ट्रांग जोन होगा, वीक जोन को स्ट्रांग करिए, स्ट्रांग जोन को और मजबूत करने का प्रयास करिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बेहतर देते रहिए, यह साल आपका होगा, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार। मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी भर्ती आपके सामने है, लेखपाल भी आपके सामने है, पुलिस की है, दरोगा की भर्ती भी फाइनल होने वाली है। तो मानी सरकार कहीं ना कहीं पूरे फुल फॉर्म में है, मतलब पूरे पिच पर खड़ी है कि हर गेंद पे छक्के मारने के लिए। तो अब यह है कि आप इसका कितना लाभ ले पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वीडियो को शेयर करिएगा, अपने सभी साथी मित्रों तक बताइएगा। और यह नामांकन कहीं ना कहीं आगामी शिक्षक भर्ती का एक द्वार है, जो इतना बड़ा नामांकन हुआ है आगामी शिक्षक भर्तियों के लिए सबसे बड़ा द्वार है। क्योंकि बार बार कहा जा रहा शिक्षक छात्र अनुपात कम होने की वजह से भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पा रही थी, उस अनुपात में कहीं ना कहीं यह इतना बड़ा दाखिला एक सबसे बड़ी मील का पत्थर साबित होगी। थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।